आज हम लोग क्या कहते हैं गति का प्रथम नियम, जो न्यूटन का प्रथम गति नियम है उसको थोड़ा सा देखते हैं। प्रथम गति नियम क्या कहता है कि कोई वस्तु विराम की अवस्था या गति की अवस्था में तभी बनी रह सकती है जब तक कि उसमें असंतुलित बल कार्य ना करे। जब उसमें बल लगता है तो उसमें फिर उसका परिवर्तन हो जाता है, उसका अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो इसी के तहत एक नियम है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम है कि उस गति की अवस्था में रहता है या फिर विराम की अवस्था में रहता है तो वो उसका क्या करता है, वो वस्तु वो विरोध करता है, उस अवस्था का विरोध करता है। और हम लोग इसी को एक एक्सपेरिमेंट के जरिए जानते हैं, सिक्का और काट की मदद से। तो चलिए कुछ लोग आइए और उसको देखिए करके, जैसे हम बताए हैं। अभी क्या हुआ, वो काट भी चल गया लेकिन बल की वजह से वो सिक्का तो विराम में था। हाँ। और वो जब हम लोग उसमें गति लगाए तो वो सिक्का अंदर चले गया। ठीक है, इसका कारण यह हुआ कि काट की एकाएकी गति होने से, काट में क्या हुआ कि एकाएक गति हुआ और सिक्का पर गति का दिशा में जो है कोई बल पर्याप्त रूप से क्या नहीं लगा, लगा नहीं लगा, और सिक्का जो है जड़त्व के कारण विराम में बना रहा। सिक्का क्या रहा, जड़त्व के कारण विराम में बना रहा और कार्ड में गति मतलब लगा और वो कार्ड वो उड़ के चला गया और सिक्का मतलब ग्लास के अंदर में चला गया। ठीक है, समझे आप लोग, समझे जड़त्व का गति नियम। यस मैम। और इसको आप लोग एक्सपेरिमेंट घर पे भी कीजिएगा, तो कुछ और बच्चे आके कर सकते हो, देख लो।